साहब जी अच्छे से पोंछ लीजिए वरना जुखाम हो जाएगा आपको। हाथ या पैर? ये क्या कह रहे हैं आप? उसका हाथ तोड़ा या पैर तोड़ा? देखिए साहब मैं इस जगह से एक इंच भी हिला नहीं। ए सच बोलना साहब जी, इंसान को इंसान पे भरोसा करना चाहिए, वो छोड़ के इस तरह के सवाल नहीं करने चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब जो जी मैं नहीं बोलना चाहिए बस। मतलब तुम वहां नहीं गए? मेरी कसम बोल रहा हूँ। अब बोलो साहब, आपके सर पे हाथ रखा तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। किसी ने भी आप पे हाथ उठाया तो उसका हाथ नहीं रहेगा, वैसे वो लूला हो गया होगा और लंगड़ा भी हो गया होगा। मां मैं आ रहा हूं। डॉक्टर, ईसीजी एक्सरे और स्कैन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इन पर किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है। उनके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उनकी प्रॉब्लम क्या है? किसी ने मारा है, तब से उनकी बोलती बंद हो गई। क्यों डॉक्टर, किसी आम आदमी के मारने से ऐसा हो सकता है? ये तो देखना होगा। हमें खबर मिली कि आप हैदराबाद मीटिंग अटेंड करने के लाए हैं और इससे पहले आपने ऐसे केस अटेंड किए थे, इसलिए मैंने आपको फोन करके यहाँ बुलाया सर। रिपोर्ट्स ये लीजिए सर। एक्सरे अल्ट्रासाउंड। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? आई सेड अल्ट्रासाउंड, डैम इट। नहीं हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता, उसी में मारा है। वो कौन है डॉक्टर? गजा। इससे पहले आपने ऐसा केस अटेंड किया है? 26 केस अटेंड किए हैं, जिनमें से 25 लोग मारे गए हैं। एक और हैदराबाद अस्पताल में मौत से जूझ रहा है। मरने वाले कौन थे डॉक्टर? सबके सब उस राणा के आदमी थे। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाए। यह तो बहुत ही स्ट्रांग आदमी था, इसकी हालत नाजुक हो गई है तो सोचने वाली बात है डॉक्टर। जहां से पता चला कि उसकी हड्डी पसली चकनाचूर हो गई है। आई एम सॉरी, आप बॉडी ले जा सकते हैं। राणा, हमारा मिलन मर गया। राणा, अब तुम बाहर आ जाओ, मैंने सारी तैयारी कर दी है, तुम हां कर दो मैं तुम्हें जेल से निकाल दूंगा। राणा, जो तुम्हारे नाम से थर थर कांपते थे वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। क्या सोच रहे हो तुम, डर लग रहा है? जेल की कड़ी तुम्हें रास आ गई? मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं और तुम खामोश बैठे हो, कहीं नामर्द नहीं हो गए तुम? कहो तो तुम अगले चूड़िया लाऊं। कैसे तू कांप रहा है?
ठीक वैसे ही मेरे जेल के बाहर आते ही लोग कांपेंगे, लेकिन गजा के होते हुए ऐ नहीं हो सकता। वो कहाँ है ये पता लगा, उसके बाद मैं बाहर आके इन हाथों से उसका कत्ल करूंगा। जाओ, जाओ, जाओ। मजे जरा लब जाइए लब था। अरे कहा भाई, आपको सच में फोटो निकालना आता है? क्यों? हमको नहीं आता इसलिए पूछ रहे थे। मैं फोकस करके रखता हूँ, तुम सिर्फ बटन को दबा देना। ओके? देश में बहुत लोग बटन तो दबाते हैं लेकिन अमल कोई नहीं करता, कम से कम तुम तो अमल करो। सच बोलने का मौका ही नहीं देते। ये क्या परफ्यूम लगा रहे, फोटो में दिखाई देगा क्या? फोटो में महक आनी चाहिए ना। ये बात है। एक बात पूछूं साहब जी, आपकी लाडली नातिन गौरी दिखाई नहीं दे रही है? ये सब पहले को किसने कहा? कितनी बार कहा कि उसके गहने और कपड़े इस घर में नहीं होना चाहिए? उठा के बाहर फेंक दो, ये जरा डालो। गौरी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी? नाना जी क्यों मुझसे गुस्सा हो गए? ये साड़ी और ये सारे गहने तुम्हारी मौसी के हैं बेटी, इसीलिए नाना जी को गुस्सा आ गया। मौसी के? हाँ। इसका मतलब मेरी माँ के अलावा आपकी एक और बेटी भी है? है। तेरे नाना उस पर जान छिड़कते थे। ऊंचे घराने में लड़का देखकर उसकी शादी तय की थी। उसे वो रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि जिस लड़के से वो प्यार करती थी उसी के साथ वो भाग गई। जब हमें पता लगा तो उसे ढूंढते ही भाग गए। बाबूजी नमस्ते। अरे पापा, पापा। मुझे माफ कर दीजिए। सुनिए जी, जो होना था वो हो गया, इन्हें घर ले चलते हैं। आइए दामाद जी। किसके घर? क्या हुआ? कुछ भी सोचे बिना थप्पड़ मारने वाले इस पागल के घर? नहीं, दामाद पर हाथ उठाने वाला एक जानवर है ये। बात सुन, तुम्हें बाप चाहिए या पति चाहिए, फैसला तू ही कर ले। अंदर अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन नाराज होने का दिखावा करते हैं तुम्हारे नाना जी। तो अब मौसी जी कहाँ रहती हैं? वो उसी वक्त हैदराबाद चली गई। उसे किसी भी तरह वापस लाऊंगा ये कह के गजेंद्र नाना से कहे बिना हैदराबाद भी हो आया था। उसने फोन भी किया था कि वो आने वाले हैं लेकिन नहीं आए। अरे आप ही माँ जी, वो मेरी तरह बेकार बैठे हैं क्या? बहुत बड़े डॉक्टर है, आपको पता है माँ जी 24 घंटे मरीजों की सेवा करते रहते हैं। उस दिन जब हम लोग यहाँ आ रहे थे ना तो अचानक एक फोन आ गया तो डॉक्टर साहब फुर से अमेरिका चले गए। आप देखते रहिए माँ जी, एक ना एक दिन आपकी बेटी और दामाद यहाँ आने वाले हैं। सच कह रहे हो गजेंद्र? माँ जी मेरे सर की कसम खाओ, आप कसम खाने के लिए क्यों बोल रही हैं? ये झूठ कभी नहीं बोलेंगे।
साहब जी बुलाया आपने? मर्जी साहब जी बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। डोंट वरी नानी।